तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर्स, मैं हूं आपका दोस्त मोनू एंड वेलकम इन मिस्टीरियस बुक चैनल। F5 और RKO को WWE के दो खतरनाक फिनिशर्स में गिना जाता है। भले ही अब WWE में पहले जैसी बात नहीं रही हो, पर आज भी इन दो फिनिशर्स को काफी खतरनाक भी माना जाता है। आज के समय में रेसलिंग काफी बदल गई है और सुपरस्टार के लिए फिनिशर्स पर किकआउट करना आम बात हो गई है, पर RKO और F5 पर किकआउट करने वाले बहुत ही कम रेसलर हुए हैं। कौन थे वे रेसलर, चलिए जानते हैं मिस्टीरियस बुक के इस खास अंक में। तो देर किस बात की, बिना देर किए सीधे खोलते हैं मिस्टीरियस बुक को। डेडमैन अंडरटेकर। अंडरटेकर एक ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्हें हरा पाना काफी मुश्किल काम होता है। रेसलमानिया 30 में भले ही बीस्ट ने डेडमैन को हरा डाला हो, पर इसी मैच के दौरान अंडरटेकर ने F5 के खिलाफ किकआउट भी किया हुआ था। अंडरटेकर ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने कई बार लेसनर के F5 में किकआउट किया हुआ है। बात करें वाइपर रैंडी ऑर्टन के RKO की, तो RKO में भी अंडरटेकर ने किकआउट किया हुआ है। रेसलमानिया 21 के समय रैंडी ऑर्टन के RKO में डेडमैन ने किकआउट कर दिया था। इसके अलावा कई ऐसे मामले हुए जहां पर RKO का असर डेडमैन को नहीं हुआ। डेडमैन ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्हें एक F5 या एक RKO देने पर कुछ नहीं होता है। नंबर 2, जॉन सीना। जॉन सीना भी ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने F5 और RKO पर किकआउट किया हुआ है। समर स्लैम 2014 में जॉन सीना ने F5 पर किकआउट किया था। भले ही यह मैच लेसनर जीत गए हों, पर सीना ने इसी मैच में F5 पर किकआउट किया था। आप आज भी वीडियो देख सकते हैं। बात करें रैंडी ऑर्टन के RKO की, तो जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन ने अभी तक लाइव इवेंट में 100 से भी ज्यादा बार मैच लड़े। जॉन सीना कई बार RKO पर किकआउट कर चुके हैं दोस्तों। हेल इन ए सेल 2009, हेल इन ए सेल 2014 और रॉयल रंबल 2014 आपको याद होगा, यहाँ पर जॉन सीना ने RKO पर किकआउट किया हुआ था। नंबर 3, ट्रिपल एच। ट्रिपल एच भी ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने RKO और F5 पर किकआउट किया हुआ है। 2012 के समय ब्रॉक लेसनर और ट्रिपल एच के बीच मैच हुआ था। इस मैच में और रेसलमानिया 29 और एक्सट्रीम रूल्स 2013 में हर जगह ट्रिपल एच ने F5 पर किकआउट किया। वहीं बात करें रैंडी ऑर्टन के RKO की, तो इसमें कोई शक नहीं करना चाहिए कि गेम नाम से मशहूर ट्रिपल एच कई बार RKO पर किकआउट कर चुके हैं। साल 2019 में हुआ सुपर शो डाउन आपको आज भी याद होगा, यहां पर ट्रिपल एच ने RKO के खिलाफ किकआउट किया हुआ था। नंबर 4, रोमन रीन्स। रोमन रीन्स भी ऐसे रेसलर हैं दोस्तों जिन्होंने F5 को सरवाइव किया हुआ है और इसके साथ ही RKO को भी। रेसलमानिया 31 और ग्रेटेस्ट रॉयल रंबल में रोमन रीन्स ने F5 के खिलाफ किकआउट किया हुआ था। वहीं रैंडी ऑर्टन के RKO की बात करें, तो रोमन रीन्स ने समर स्लैम 2014 में रैंडी ऑर्टन के RKO को सरवाइव किया हुआ था। रोमन रीन्स की गिनती भी उन रेसलर्स में होती है दोस्तों जिन्होंने F5 और RKO को सरवाइव किया हुआ था। तो ये थे दोस्तों वे रेसलर्स जिन्होंने F5 और RKO को सरवाइव किया हुआ था। आप लोगों के हिसाब से और कौन से रेसलर्स हैं जो इन दोनों को सरवाइव कर लेंगे, अपनी राय हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। जल्द मिलेंगे, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।